पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से कई बड़ी परियोजनाओं की लॉन्चिंग कर चुके हैं। इस लिहाज से झारखंड के लोग जो है वो प्रधानमंत्री के दिलों में बसते हैं और प्रधानमंत्री के दिल में झारखंड के लोग बसते हैं और उसका नमूना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर यहाँ के लोगों ने दिखाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके दिलों में किस तरीके से बसते हैं उसकी झलक आपको रोड पर देखने को मिल रही है। देखिए प्रधानमंत्री का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है लोगों के चेहरे और भी खुशी से झूम उठे हैं। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की ये तस्वीर है, किस तरीके का जन सैलाब है जो प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए इतनी रात में सड़कों पर खड़ा है। हालांकि रांची में थोड़ी थोड़ी ठंड भी शुरू हो गई है, उसके बावजूद लोगों का जो ये जोश है, उमंग है, जुनून है वो सड़कों पर आपको दिख रहा है कि किस तरीके से रांची की जो जनता है वो प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए सड़कों पर उतरी है। जी लालचंद दिवाकर, बिल्कुल आपने सही कहा कि रात के करीब करीब 10 बज रहे हैं, 10 बज चुके हैं पूरे, ठंड भी है, उसके बावजूद भारी संख्या में लोग पुष्प वर्षा करके अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी पूरी तरह से सभी को हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का जवाब भी दे रहे हैं। अभिवादन जीनू से जब काफिला ये अब बिरसा चौक की ओर बढ़ रहा है तो उसके बाद भी उसी तरीके का जुनून लोगों में दिख रहा है। देखिए झारखंड की पहचान भगवान बिरसा मुंडा से होती है और भगवान बिरसा मुंडा को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद जो उनका जन्मदिन है उसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया और कल वो जनजातीय गौरव दिवस एक बार फिर पूरे झारखंड में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाएगा। और प्रधानमंत्री पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंचेंगे, वहां पर उन्हें नमन करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से झारखंड जो आदिवासी बहुल इलाका है वो प्रधानमंत्री के दिल में बसता है और उसकी बानगी आज झारखंड के लोगों ने भी दिखाया कि कैसे झारखंड के लोगों के दिल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं। इसकी झलक आपको आज ये कारवा में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से कहा कि झारखंड को लेकर के हम चाहे देखते हैं, चाहे उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई हो, चाहे अब ये जो दो योजनाओं की प्रधानमंत्री शुरुआत करने वाले हैं, इसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा है और साथ ही जो प्रधानमंत्री PVTG मिशन है, ये दोनों कार्यक्रमों की भी शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री ने झारखंड को विशेष रूप से चुना है, तो ये झारखंड के साथ उनके कनेक्ट को दिखाता है। दिवाकर देखिए लालचंद, मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंडर कहता हूँ आपको बताता हूँ कि जब पिछली सरकार झारखंड की है, बीजेपी की सरकार थी झारखंड में 2014 से 2019 की, वो एक पहली सरकार झारखंड में बनी थी बीजेपी की अगुवाई में जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी और पूरे 5 साल तक ये सरकार चली थी। उस दौरान में ये कहा जाता था कि झारखंड जो है वो केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं का लॉन्चिंग पैड है। जैसे अगर हम कहें कि दुनिया की जो सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना है उसकी लॉन्चिंग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से की थी, उज्ज्वला योजना की लॉन्चिंग यहीं से हुई है। तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से झारखंड पर गजरे इनायत की है और झारखंड को एक पूरे देश में केंद्र बिंदु के रूप में उन्होंने उभार कर लाया था। और कल जब प्रधानमंत्री उलिहातू पहुंचेंगे, खूंटी पहुंचेंगे, तो वहां पर वो देश को कई करीब 24,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना है ये जो जनजातीय बहुल समाज के लिए कल वो शुरू करने जा रहे हैं, उस मिशन की शुरुआत होगी। साथ ही साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भी कल प्रधानमंत्री यहीं से करेंगे, जो देश के 75 ट्राइबल जिले हैं वहां पर इसकी शुरुआत होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार जो आदिवासी बहुल इलाका जो है उसको आजकल केंद्र बिंदु में रखे हुए हैं, उस पर उन्होंने फोकस किया है। जो इलाका तो हम कह सकते हैं कि पिछले आजादी के 65 वर्षों तक जो इलाका अछूता रहा था, विकास की दौर में कहीं पीछे रह गया था, प्रधानमंत्री ने उस इलाकों को फोकस किया। चाहे आप हम कहें कि किस तरीके से जो ईस्टर्न इंडिया की बात होती है कि वहां पर किस तरीके से विकास की किरण पहुंचाई जाए, तो उससे प्रधानमंत्री ने बहुत ज्यादा फोकस किया और झारखंड जैसे राज्यों को उन्होंने केंद्र में लाकर ये दिखाया कि झारखंड भी विकास की कई परिभाषा कर सकता है। वैसे में यहाँ पर कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी और उसके बाद लगातार कल प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर कई बड़ी सौगात दी जाएगी। जी दिवाकर, खास तौर पर यह भी बात है कि प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की जो जन्मस्थली है उलिहातू खूंटी जिले में, वहां पर जाने वाले हैं कल सुबह और भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो वहां पर पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर पहले प्रधानमंत्री देश के होंगे। आप
आज हम लोग सुबह से एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो उनके वंशज है, प्रपौत्र है और जो और दूसरे आदिवासी समाज के लोग हैं, वो किस तरीके से वेलकम करने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री को, और एक उत्साह, उम्मीद की एक नई किरण उनकी में जगी है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद ये जो उलिहातू का इलाका है, जो कुछ इक्के दुक्के लोग जानते थे भगवान बिरसा मुंडा और जो दूसरे स्वतंत्रता सेनानी, जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वो गया मुंडा हो चाहे दूसरे लोग हो, उनके बारे में लोग अब देश और दुनिया में जानने लगे हैं, उनकी चर्चा होने लगी है। तो प्रधानमंत्री जब कल वहां पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर एक नई उम्मीद जो जगी है वो भी पूरा होगा, और प्रधानमंत्री जब वहां से कई योजनाओं की सौगात देंगे तो उससे भी लोगों में एक उत्साह का संचार होगा। लालचंद, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कल सुबह सबसे पहले जो जनजातीय संग्रहालय बनाया गया है, जो आदिवासी हीरोज थे जिन्होंने किस तरीके से आजादी में अपना योगदान दिया है, उनके नाम पर रांची में भी एक म्यूजियम बना है। जो बिरसा मुंडा जेल था पहले, वहीं पर अंग्रेजों ने इनको कैद करके रखा था बिरसा मुंडा को, और उसके बाद अंतिम सांसें उन्होंने यहीं पर दी थी, उसी जेल को म्यूजियम बनाया गया है, और उसे भगवान बिरसा मुंडा के विभिन्न रूपों और दूसरे जो झारखंड के, जो हम कह सकते हैं जिन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया था सेनानियों का, वहां पर वो संग्रहालय बनाया गया है। प्रधानमंत्री वहां भी जाएंगे और सबसे पहले वहां पर उन्हें दबट करेंगे। तो प्रधानमंत्री का काफिला अरगोड़ा चौक पर पहुंच गया है, और हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि अरगोड़ा चौक की तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत देखिए फूल की वर्षा से की जा रही है। जी बिल्कुल, वो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं। जी बिल्कुल, वो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं। अरगोड़ा चौक के पास प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें, और ये देखिए फूल बारिश हो रही है यहाँ पर अरगोड़ा चौक पे। इतनी रात लोग प्रधानमंत्री का सफरी से इंतजार, और देखिए प्रधानमंत्री अब गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन करने के लिए तैयार, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री अभिवादन कर रहे हैं, और उनके गाड़ी पर फूलों की बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से निकल चुके हैं, और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। तो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए देखिए प्रधानमंत्री लगातार लोगों के जो स्वागत हो रहा है अभिभूत है, और प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश यहाँ पर की जा रही है। तो प्रधानमंत्री को लेकर लगातार उत्साह लोगों में, जन सैलाब जो उभरा है देखने के लिए, लोगों की भीड़ यहाँ पर उभरी हुई है। प्रधानमंत्री अभिवादन कर रहे हैं, और लोगों का जो है वो हाथ छोड़कर लोगों से पूरी रात से पहुंचने के लिए, और प्रधानमंत्री का जिस तरीके से स्वागत हुआ है वो प्रधानमंत्री उसे देखकर काफी शक करती है, और काफी जो लोग हैं झारखंड से वो काफी उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो अपने पास देख पा रहे हैं, और उनके चेहरे पर जो खुशी साफ तौर पर दिख रही है। प्रधानमंत्री लगातार जो है हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री का काफिला अब अंगूरा सबक से बढ़ रहा है आगे, जहाँ पर कि आगे महिलाओं द्वारा पर्दों पर रंगोली बनाया गया है, और वहाँ पर इस रंगोली के जरिए महिलाएं प्रधानमंत्री का वेलकम कर रही है, और प्रधानमंत्री का गाड़ी धीरे धीरे ये काफिला आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, और प्रधानमंत्री के इस काफिले के साथ गाड़ियाँ बढ़ रही है, लोगों में जोश है, और लगातार ये जोश और उमंग लगातार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला राजभवन की ओर बढ़ता हुआ, और लगातार जोश जो लोगों में है वो देखने को मिल रहा है। तो देखिए किस तरीके से ये प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है, और दोनों तरफ सड़कों की दोनों तरफ लोगों का हुजूम जल्द फैला प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए, इतनी रात तक रांची की सड़कों पर खड़ा नजर आ रहा है जिला। तो देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिनों की झारखंड यात्रा पर पहुंच चुके हैं झारखंड की राजधानी रांची, और वहां पर उपस्थित जन समुदाय ने जिस तरह से कि उनका स्वागत किया है, उससे ये पता चलता है कि लोगों के दिलों में, झारखंड के लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसा स्थान है। करीब करीब 10 बजे रात, 10 से भी ज़्यादा रात हो चुकी है, और लोग वहाँ पर डटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए। मोबाइल से फ्लैश लाइट जलाकर लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, हाथों में प्लाकार्ड है, झंडे हैं, और लोग वहां पर प्रधानमंत्री का पुष्प के वर्षा के साथ, फूलों की बारिश के साथ प्रधानमंत्री का ज़बरदस्त स्वागत कर रहे हैं।
झारखंड की राजधानी रांची में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो झारखंड के रांची के हवाई अड्डे से लेकर ही लोगों का तांता लगा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों के अभिवादन का जवाब पूरी तरह से उनकी तरफ हाथ को हिला कर दे रहे हैं, उनके अभिवादन का पूरा जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो उपस्थित जन समुदाय हैं, जो उनके स्वागत के लिए आए हैं, जो उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका पूरा जवाब हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची में। तो झारखंड की राजधानी रांची प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, दो दिनों का उनका कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद खास है। बेहद खास इस मायने में भी क्योंकि 15 नवंबर को यानी कल ही प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड के खूंटी ज़िले में स्थित उलिहातू गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। लेकिन ये जो उलिहातू है ये वही जगह है जहां भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। ये दो दिवसीय दौरा झारखंड का ऐतिहासिक दौरा है और इसका इंतजार लोगों को काफी समय से था कि प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की थी और उसके बाद वहां के लोग पलक बिछाए बैठे थे, इंतजार में थे कि प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा सम्मान बिरसा मुंडा को दिए हैं तो वो उलिहातू भी जरूर पहुंचेंगे और उनका ये सपना अब कल पूरा होने जा रहा है। लालचंद दिवाकर, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके बारे में तो बहुत चर्चा हुई है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी चर्चा आप जरा प्रधानमंत्री का जो पीवीटीजी मिशन है यानी प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन, इसके बारे में थोड़ी सी जरूर जानकारी दें कि इस कार्यक्रम में क्या कुछ होने जा रहा है कल खास तौर पर। देखिए, ये जनजातीय जो कहते हैं जो विकसित नहीं है या जो अब जिनकी संख्या धीरे धीरे कम रही है जनजातीय समाज में, वैसे लोग हैं जो एक तरीके से पहाड़ों पर रहते हैं, वैसे जगह दुर्गम इलाकों में रहते हैं जहां विकास की किरण अब तक नहीं पहुंची है। तो प्रधानमंत्री लगातार इस बात का फोकस करते हैं कि विकास जी विकास की दौर में तो शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हो रही है ये जो मिशन की शुरुआत हो रही है करीब 24 करोड़ रुपए की ये मिशन है और इसके जरिए सिर्फ झारखंड नहीं पूरे देश भर के जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है जो जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है वैसे लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं के जो विस्तार करने का जो ये मिशन है, इसमें स्वास्थ्य भी होगा, उन गांवों तक बिजली पहुंचाने का अभियान है, शुद्ध पानी पहुंचाने का अभियान है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसका जो अभियान है इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा और ये लगातार इस मिशन के जरिए ये फोकस होगा कि किस तरीके से इस समाज का उत्थान हो, इस समाज को मुख्य धारा में लाया जाए, किस तरह की चीजों को इसमें फोकस किया गया है। और जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात आप लालचंद कह रहे हैं, इसके जरिए कल प्रधानमंत्री झारखंड के 9 जिले हैं और पूरे देश भर के 75 जिले हैं, वहां पर जो आदिवासी बहुल जो जिले हैं वहां पर इस तरह की शुरुआत होगी और उसके बाद ये जो कारवा है ये आगे बढ़ेगा। और ये जो वैन है ये बहुत अद्भुत तरीके से वैन बनाया गया है कि देखिए वैन जिस इलाके में पहले शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी बहुल इलाकों में, सब जगहों पर पहुंचेगा तो उस तरीके से वहां पर एक विकास की नई किरण पहुंचेगी और लगातार लोगों को इस बात का जोर दिया जाएगा कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रहा है, उसके जरिए हम किस तरह के बदलाव कर सकते हैं, इन तमाम तरह की चीजें उस वैन के जरिए ले जाई जाएगी, लोगों को बताई जाएगी, जागरूक किया जाएगा। तो लगातार ये प्रयास होगा कि किस तरीके से लेकर जाना है, ये प्रयास होगा।